बड़ा सा पनीर का पीस और ये रखा इसके ऊपर प्याज। ये बड़े बड़े पनीर भाई। तो यार देखो, बात है कुछ ऐसी। चटोरा पॉइंट यूट्यूब पे एक फूड चैनल है जिन्होंने हाल ही में पंजाबी अंगीठी पे वीडियो किया था और उनको उधर का खाना भाई बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसी वीडियो में उन्होंने ये भी बताया था कि इनके और कहाँ कहाँ ब्रांचेज हैं जिसमें देहरादून का नाम भी शामिल था। बट उन्होंने स्पेसिफिकली एक बात बोली कि जो कोई भी देहरादून से देख रहा है वो इसको ट्राई ज़रूर करना। तो मैं और भानुभैया देहरादून से देख रहे थे, तो आज की वीडियो में मैंने मंगा रखा है पंजाबी अंगीठी से और सेम ही आइटम्स मैंने ऑर्डर कर रखे हैं ताकि ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि जो आइटम्स हमने मंगाए थे वो ही अच्छे नहीं हो रहे और जो उन्होंने मंगाए थे क्या पता पंजाबी अंगीठी उनमें स्पेशलाइजेशन रखता हो, इसलिए सेम आइटम्स ऑर्डर कर रखे हैं। तो भाई पंजाबी अंगीठी से सेंटर में है मेरे पास मटकी स्पेशल हांडी पनीर, मटकी दाल मखनी अंगीठी स्पेशल प्रिपेयर्ड इन बटर एंड क्रीम। एक है हमारे पास कढ़ाई मिक्स वेज। ब्रेड्स की बात की जाए तो दो बटर नान है, एक ग्रीन चिली पराठा है और तीन रुमाली रोटियां हैं। और इन सभी आइटम्स के साथ मुझे कुरकुरे पोटैटो फ्राइज फ्री मिले हैं। ये ऐसी मटकी में आए थे भाई, बेहतरीन। अपनी परंपरा से कर देते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। मटकियों को रख दे साइड। भाई एक बात माननी पड़ेगी, पंजाबी अंगीठी की क्वांटिटी भाई साहब। एक्चुअली चटोरा पॉइंट का वीडियो भानुभैया देख रहे थे, भानुभैया ने ही तो फिर मेरे को दिखाया, तो उन्होंने वीडियो में बात बोल रखी थी कि इनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, जिस बात से मैं एकदम अग्री करता हूँ भाई। मतलब प्याज और चटनियों की आप क्वांटिटी देखोगे ना भाई, भर भर के दे रखा है। और इन आइटम्स की भी क्वांटिटी भाई बढ़िया थी प्राइस के हिसाब से। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। यही तो मैं ढूंढ रहा था, मैं लाल चटनी ढूंढ रहा था, बस ये स्पाइसी हो तो मज़ा आ जाए। ये देखो भाई शक्ल इसकी, ट्राई करके देखते हैं। आ जाते हैं भाई मेन कोर्स पे। लीस्ट एक्सपेक्टेशन मुझे दाल मखनी से है क्योंकि बहुत ही सो एंड सो लग रही थी। शक्ल देख लो भाई इसकी, लेट्स सी हाउ इट इज। यस, ये लाओ हरी मिर्च है, ये है हरी मिर्च का अचार जो भानुभैया ने बना रखा है। रही बात दाल मखनी की तो मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी थोड़ा सा मतलब इन्जॉय कर रहा हूँ इसके टेस्ट को। खुशबू से और दिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज ये बात इस दाल मखनी ने सिद्ध कर दी। दिल जीत लिया। अब जरा ये पनीर भी ट्राई कर लेते हैं भाई। पनीर के बहुत बड़े बड़े पीसेस डाल रखे हैं, आधा पीस अंदर डालते हैं, आधा पीस हम बाहर से डाल देते हैं। लेट्स जस्ट सी कि इनका पनीर कैसा है। पता नहीं मेरे साथ आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जनरली मेरे वीडियोस में क्या होता है, अगर खाना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है तो फिर मेरे को कमियां उसमें पता चल जाती हैं और मैं कमियां वो बता देता हूँ। आज के वीडियो में अभी मैंने ये तीनों आइटम्स खाए, इन तीनों में से एक भी आइटम कुछ एज सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट मैं ना इनमें कमी नहीं निकाल पा रहा हूँ। मोर ओवर सेकेंड बाइट से ना मुझे ये
बहुत मतलब एडिक्टिव टाइप लग रहा है, समझ रहे हो? नान और निकाले मेरा, मिक्स वेज भी ज़रा ट्राई कर लेते हैं भाई। भाई शक्ल तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी इनके सभी आइटम्स की। पहली बार हुआ है मेरे साथ 2 सालों में कि खाना गिरा हो टी शर्ट में। एनीवे फर्स्ट इम्प्रेशन वही कि चलो नॉर्मल है। सेकंड बाइट में ज़रा पनीर वगैरह लेते हैं। एक दो बाइट के बाद इम्प्रेशन क्या बढ़िया हो रहा है। बहुत टाइम बाद अपना फेवरेट ग्रीन चिली पराठा। कई लोग क्या करते हैं ना कि अपने आइटम्स में ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, 100 तरह की चीज़ें डाल दी अच्छा बनाने के लिए, बट कभी कभार जो एकदम सिंपल आइटम्स होते हैं ना वो दिल जीत जाते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में बाइट है, उधर कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत ज़्यादा। आज बहुत टाइम बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं खाली इंजॉय करूँ ना, कुछ बातें ना करूँ। मुझे इतना नहीं खाना है भाई, गला छिल चुका है भूरी का, लेकिन मजा ले जो इसने रुक जाना है। ओ हो, मैं ले रहा हूँ एक बढ़िया सा बाइट। ये रहा अपना बाइट, ये रखा बड़ा सा पनीर का पीस और ये रखा इसके ऊपर प्याज। लग रहा है तगड़ा, लेट्स गो इन फॉर अ नाइस बाइट। करें एक और, रख दें एक और पनीर का पीस, रख दें एक और प्याज का क्राउन बना के, लेट्स अगेन गो इन फॉर अ नाइस बिग बाइट। कुछ ज्यादा मसाले नहीं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं, मिक्स वेज का मतलब अलग अलग वेजिटेबल्स एक जगह बस मिला रखी हैं, एकदम प्योर टेस्ट आ रहा है। मटकी पनीर का मतलब पनीर का टेस्ट आपको आएगा, बराबर आएगा, सिंपल येट एक्सेप्शनल। चावल मंगाने चाहिए थे, मज़ा आया था। बट एनीवे ये बड़े बड़े पनीर भाई, मेरा नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा हेक्टिक है जिसकी वजह से मैं अपना नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं आज प्री शूट कर रहा हूँ। आज सैटरडे है, सैटरडे को मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करता, बट आज मैं प्री शूट करके रख रहा हूँ। तो ऐसा मुझे भूख नहीं है, मैं डाइटिंग कर रहा था, बट ट्रस्ट में भाई मेरा रुकने का मन नहीं हो रहा है। ये तीनों ही आइटम्स इतने बेहतरीन हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। बेहतरीन अगेन, प्लीज़ बेहतरीन को कोई ऐसे ना समझे कि तानी भाई क्या ही हो रखा है, टेस्ट मतलब बवाल मच रखा है भाई। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बट इस मसालों की भीड़ भड़ाके वाली दुनिया में सिंपल खाना मिलना आज की डेट में भाई बहुत मुश्किल है। सिंपल घर में ही बनता खाना, बट घर का खाना और मार्केट के खाने के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है, ये उसी थिन लाइन पे है। मतलब आप ऐसा ना घर में बना पाओगे और ना ऐसा आपको कहीं और मार्केट में मिलेगा। बहुत टाइम बाद ये टेस्ट मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू चटोरा पॉइंट उनके वीडियो से, क्योंकि ये पता चला। ऑल थैंक्स टू मानव एक्चुअली, उन्होंने बताया मेरे को। फाइनली ऑल थैंक्स टू पंजाबी अंगीठी।
भानु भाई पैकिंग कर रहे हैं, थोड़े से बिजी हैं, अदरवाइज मैं उन्हें बुला देता हूँ। एक बड़ा सा प्याज आ गया मेरे हाथ में, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बटर दिख रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई से भी आइटम नीचे रखे होते हैं मैं नहीं खाता, बट इनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा भाई। एक तो इनके टेस्ट की वजह से और दूसरा घर वालों के लिए मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ खाना। आई विश थोड़ा सा राइस होता तो मज़ा ही आया था, बट आप आइटम्स देख के समझ सकते हो कि बेस्ट मुझे क्या लगा होगा। अगेन मेरे प्रीवियस मकबैंग की तरह जिस आइटम से मुझे लीस्ट उम्मीदें थी भाई वही आइटम बेस्ट लगा मुझे, और आज की वीडियो में है वो आइटम दाल मखनी। ये दोनों भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं बट मुझे तो ये बेस्ट लगी और उसके बाद ये दोनों, बट मैं रैंकिंग भी नहीं करूँगा फर्स्ट सेकंड थर्ड की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई तीनों ही आइटम्स ने मुझे ना वो सेटिस्फैक्शन दिया है, मतलब मैं अपने बॉडी की भाषा में कैसे समझाऊँ को, आज मेरे टेस्ट बड्स खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और आप में से जितनों ने भी चटोरा पॉइंट्स के वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देखना, तो काफ़ी जेन्युइन वीडियोज़ होते हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ होते हैं। बाकी यार आई बिलीव दिस इज इट फॉर टुडे, आई जस्ट होप यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइज ऑन टू द नेक्स्ट वन, पीस।